होमी जी ने कुशल गोपालका को और संजय गोहिल को ये ऐतिहासिक फिल्म बनाने के लिए क्यों चुना, इसका जवाब तो नहीं है, पर इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनने के दरमियान जो हम उनको अच्छे से देख पाए और समझ पाए, ये हमारी खुशनसीबी है। होमी जी एक अत्यंत सरल इंसान थे जिनका स्वभाव बच्चों जैसा था। लगातार 5 दिनों तक 16-18 घंटे रोज वीडियो रिकॉर्डिंग चलती रही, पर उन्होंने थकान की शिकायत नहीं की। लंबे लंबे डायलॉग्स ऐसे याद करके और अदा किए जैसे कोई एक्टर। क्रिएटिविटी के लिए हमारे द्वार खोल रखे थे, कभी दखल नहीं किया उन्होंने। इस फिल्म के लिए आर्थिक और ऊर्जा का जुटाव करते रहे। उनके आसपास जितने भी लोग थे उनको ये पता लग गया कि न केवल होमी जी की फिल्म तैयार हो रही है, पर होमी जी किस मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। निष्ठा, रियाज और जुनून क्या होते हैं ये सीखा उनसे हमने। ये भी सीखा कि पारिवारिक सुख के लिए वो किस तरह प्यार बांटते हैं। उनके आखिरी दिनों में भी उनसे मिलना जुलना, फोन पे बातचीत और रिकॉर्डिंग्स, ये सब जोरों से चल रहे थे। बिगड़ती तबीयत के बावजूद वे सारे काम निपटाते गए ताकि फिल्म की रिलीज पंचम मैजिक में 4 जनवरी को हो सके। जितने उनके फैंस एक्साइटेड थे, उनके लिए उतने ही होमी जी एक्साइटेड रहते। पर खेद है कि उनके रहते रहते हम फिल्म का काम समाप्त न कर सके। हमें पूरी आशा है कि होमी जी की ये नायाब भेंट को आप आदरपूर्वक स्वीकार करेंगे। आइए देखते हैं कुछ क्षण उनके काम के अंतिम दिवस के। Thank you.
कट हो गए हो गए हाँ।